Islamabad, Hyderabad, Rahim Yar Khan, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum, across Pakistan. This is FM 100. FM 100.
Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yar Khan, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum. Across Pakistan, this is FM 100. FM 100. Islamabad, Hyderabad, Rahim Yar Khan, Multan, Abbottabad, Gujarat. Alright, Janab, Assalamu Alaikum Pakistan and Assalamu Alaikum everyone. Tamam sunne walon ko program lunch time special mein ek dafa phir kehte hain khush aamdeed. Janab, main hoon Rabia Rajput aur mere saath studios mein dekhne wale jante hain aur sunne wale ab jaan jayenge. Hamare saath studios mein Dr. Khurram Mushir bhi maujood hain. Assalamu Alaikum. Ji, Assalamu Alaikum. Kaisi hain aap? Theek thaak. Walaikum Assalam. Bilkul theek thaak. Aap khairiyat se? Ji, bilkul. Bilkul. Tamam nazreen ko aur saameen dono ko bahut bahut salam kehte hain aur dekhiye ki badi important baat ke jab se hum log ye kar rahe लाइव शो तो लोग बहुत ज्यादा बहुत मोहब्बत और ज्यादा पहले भी इतनी करते थे मगर अब कहते हैं कि जी हमें कुछ इन्फॉर्मेशन ज्यादा मिलती है क्योंकि देखने को भी मिलता है तो डबल इफेक्ट आता है और वो सीनरीज जो हमारे पीछे चल रही होती हैं वो बड़ा एंजॉय करते हैं तो आज सारी चीजें आप देखते रहेंगे और आज बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात आज नाखूनों पर बहुत सारी बात करेंगे बहुत सारी खवातीन ने कहा है कि सर्दियां आ रही हैं खवातीन और हजरात दोनों और नाखून बहुत सारे येलो हो गए हैं अच्छा और बिल्कुल फंगल मैं आपको तस्वीरें भी दिखाऊंगा अच्छा बहुत सारे लोग समझते हैं कि जी नाखून में सिर्फ एक क्रीम लगाई कल एक खातून आई बड़ी अच्छी बहुत सीनियर समझदार मैंने उन्होंने कहा कि मैं 6 साल से इलाज कर रही हूँ मैं क्रीम लगाती हूँ ठीक हो जाते हैं मैं छोड़ देती हूँ तो जब तक आप खाएंगी नहीं आपको घर में काम होता है जैसे बर्तन धो रही हैं सफाई करना है ख़वातीन होती हैं जिनकी नई नई शादी होती है तो वो बच्चे होते हैं छोटे तो उनका नैपी चेंज करती हैं तो उन तमाम लोगों के लिए बहुत सारी आप डिटेल बताएंगे नाखून तो हैं और बाकी आप सवाल करते ही रहते हैं अपने बहुत बिल्कुल ठीक है अच्छा डॉक्टर खुर्रम जरा चिया सीड्स के बारे में बताइए जी 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 क्या है और किस तरह से इनको इस्तेमाल किया जा सकता है किस तरह से इनको इस्तेमाल करके अपने स्किन को बेहतर बनाया जा सकता है बिल्कुल अच्छा देखिये ये एक बड़ी जबरदस्त चीज है और पूरा ताकत का खजाना है चिया सीड्स और इसको तुखमलंगा भी कहते हैं उर्दू में और जैसे आपने देखा होगा वो दाने दाने टाइप होते हैं फालूदे पे बहुत सारे पड़े होते हैं ठीक है अगर आपको बॉडी अच्छी करनी है अच्छा देखिए बहुत सारे एक मिसकॉन्सेप्शन में क्लियर कर दूं लोग समझते हैं कि जी हेल्दी मोटे को कहते हैं हेल्दी ठीक है और बहुत स्लिम को कहते हैं स्मार्ट ठीक है मतलब बहुत सूखा कोई हो तो स्मार्ट कहते हैं और बाकी को पता नहीं क्या कहते हैं तो देखिए अगर जो एक मुतनासिब बॉडी है जो फिट है तो उसको वो स्मार्ट तो है ही वो उसको कहते हैं मतलब कुछ और वर्ड कहते हैं कि स्लिम को स्मार्ट कहें तो अच्छी बात है मगर जो बहुत कमजोर हो उसको स्मार्ट कहते हैं ठीक है जो बिल्कुल फिट हो देखिए मुतनासिब है पतला बॉडी है खासतौर पर लड़कियां तो पतली ज्यादा फिट रहती हैं तो लड़कियों के लिए तो वो बहुत आइडियल है ठीक है अच्छा लड़के अगर बहुत मोटे हैं तो उनको आप हेल्दी नहीं कहेंगे आप उन्हें फैटी कहेंगे ठीक है हेल्दी से मुराद होती है कि वो फिट हो मतलब कि मोटे भी नहीं हो और दुबले भी नहीं हो मगर एक फिट होना चाहिए चिया सीड्स उनके लिए बहुत जबरदस्त चीज है उसका तरीका क्या है कि बिल्कुल सिंपल आपने क्या किया जी मिल्क शेक बनाया जी आपने अगर आपको कोलेस्ट्रॉल का डर रहता है तो आप जो है स्किम मिल्क ले लें उसमें एक केला डालें ठीक है एक चुटकी दार चीनी डालें एक चमचा तुख मलंगा डालें उसके साथ एक चमचा पीनट बटर और थोड़ी सी जाफरान फिर से बताता हूं एक कप दूध लिया आपने अगर आप लगता है कि जी आप थोड़ा हेल्दी होना चाहते हैं तो आप फुल क्रीम ले लें ठीक है नहीं तो आप स्किम मिल्क ले लें उसके अंदर आपने एक केला डाला ठीक है उसके साथ आपने डाला एक चुटकी दार चीनी और उसके साथ डाला एक चमचा भर के
चिया सीड्स डालेंगे, ठीक है, या तुख मलंगा डालेंगे, साथ में जाफरान डालें और इनको आप आराम से पिए। अगर आप पीनट बटर, अच्छा कभी कभी आप चेंज करने के लिए इसके अंदर आप चीकू के मौसम में चीकू डाल सकते हैं, कभी आप इसके अंदर खुबानियां डाल सकते हैं, कभी आप खजूर डाल सकते हैं, कभी आप इंजीर। तो ये तमाम चीज़ें बहुत हेल्दी हैं। और चिया सीड तो एक तो आपकी वाइटालिटी बढ़ाते हैं, स्टेमिना बढ़ाते हैं, सांस का जिन लोगों को शुरू होता है वो क्लियर करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि चिया सीड्स खाने वालों को जो आपका कुव्वत मुदाफ़त है, इम्यून सिस्टम में बहुत स्ट्रांग हो जाता है। तो आप ये खाएं, कोई नुकसान नहीं है, हाइट के लिए बहुत अच्छा है। जो अम्माएं चाहती हैं बच्चों की हाइट अच्छी हो जाए। बिल्कुल ठीक है। हमें सलमान का मैसेज आया फ्रॉम कराची, उन्होंने जी कहा कि अस्सलाम वालेकुम, आप दोनों कैसे हैं? बिल्कुल ठीक बिल्कुल हैं ठीक ठाक है। और बहुत अच्छा प्रोग्राम है, तारीफ की आपने, बहुत शुक्रिया। बहुत एज शुक्रिया। आपकी 23 है और आपने कहा मसला यह है कि पूरा जिस्म कमजोर है, पेट ड्रम की तरह निकला हुआ है। बहुत बुरा लगता है बिल्कुल कि मैं क्या बताऊं बिल्कुल आपको। दूसरा मसला यह है कि जी हर जी वक्त टेंशन में रहता हूँ, हाँ हाँ दिन हाँ हो या रात टेंशन नहीं रह जाती है। इसकी वजह से दिमाग और भी ज्यादा कमजोर हो गया है, हर बात भूल जाता हूँ, किसी काम के लिए दिल नहीं लगता, हर वक्त जिस्म परेशान भी रहता है। और कह रहे हैं डॉक्टर साहब से कुछ पूछ कर बताएं कि क्या करूं। बिल्कुल सही है, बहुत सही कह रहे हैं। अच्छा उन्होंने बताया ना कि नाम मैं उनका भूल गया, सलमान 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 बिल्कुल ठीक है। आप परेशान क्यों होते हैं, अभी तो इतने यंग हैं आप। सेकंड चीज ये जो आप कह रहे हैं ना, पेट निकला हुआ है, बाकी सूखापन हो रहा है, ये कहलाता है ऑरेंज ऑन ड्रम स्टिक्स। यानी आपको मैं मिसाल दूं कि जैसे कीनू हो गया, कीनू गोल मोटा होता है, ठीक है, और वो हाथ पैर बिल्कुल पतले पतले, तो ये एक तरीके का पैटर्न है जो डेवलप होता है अगर आपका सही ब्लड नहीं बन रहा, ठीक है, या आप खाना खाते हैं आपको हजम नहीं हो रहा। थर्ड चीज पता है, आपने खुद ही बता दिया कि मैं बहुत टेंशन में रहता हूँ, खाना हजम नहीं होता, इनडाइजेस्टन होती है। तो पहली बात तो ये कि एक तो देखिए अपनी गजा में ना आप रोटी चावल खाएं, बिल्कुल खाएं, कम कर दें, उसकी जगह आप टिक्का खाया करें, ठीक है, उसकी जगह आप छोले खाया करें, उसकी जगह आप जौ का दलिया खाया करें, उसकी जगह आप साबूदाने का दलिया खाया करें, उसकी जगह आप फ्रूट खाया करें, सैलेड खाया करें। रोटी मतलब ऐसे करें कि जैसे हम लोग पाकिस्तानियों की तरह नहीं, जो बाहर के मुल्कों में आप जाएं या यूरोप में जाएं या सेंट्रल एशिया में उज़्बेकिस्तान वगैरह, क्या करते हैं, रोटी का छोटा सा टुकड़ा वो हाथ में रखते हैं, ठीक है, और खाना खाते जाते हैं, थोड़ी बहुत खा लेते हैं। हम लोग तो खाते ही रोटी से, तो उसमें कोई बुराई नहीं, हमारा पैटर्न बहुत सही है। मगर आपके लिए फिलहाल तो आपको क्या करना है, एक तो रोटी कम खाएंगे, आप गोश्त खाया, आपने दालें खाई, चमचे से खाएं, हाथ से खाएं, ठीक है। सेकंड चीज बड़ी इंपॉर्टेंट ये कि आप ना सोंधा नमक कहलाता है, ठीक है, पिंक रंग का होता है, वो आप रोजाना एक ग्लास नीम गर्म पानी में डाल के उसके अंदर थोड़ा सा लेमन जूस, ठीक है, या अनार का जूस में ये डाल के पिया करें, आजकल अनार का मौसम है। अच्छा और सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक टेबलेट आपके लिए है फिमोप्सिन, FMOPSIN, ठीक है, 20 mg के फिमोप्सिन, ठीक है, ये कहीं से भी मिल जाएगी, पूरे पाकिस्तान में अवेलेबल है। एक गोली आप रोजाना नाश्ते के बाद खाया करें, पूरा दिन आपका हाजमा सही रहेगा। और सेकंड चीज बॉडी को ठीक करना है, आप देखिए खजूर शेक पिया करें, ठीक है, आजकल मौसम भी है, खजूर शेक पिया करें, उसके अंदर आप थोड़ा सा कोका बटर डाल दें, कोका बटर डाल दें या आप पीनट बटर डाल दें, ठीक है, दूध के साथ। और क्या किया करें, आप कंडेंस मिल्क भी खाया करें, और थोड़ा भागें दौड़ें, मूवमेंट होनी चाहिए। और एक विटामिन आपको एक और है, टोकोफिरॉल, TOCOPHEROL, ये हर जगह मौजूद है, बहुत सस्ता होता है, 400 mg का, ठीक है, 200 mg होता है, 400 mg होता है, 600 mg होता है। अब 400 मिलीग्राम वाला एवरी डे खाया करें, आप देखें इंशाल्लाह, और 2 वीक्स में हमें बताइएगा, बहुत बेहतरी आना शुरू हो जाएगी, ठीक बिल्कुल है जी। ठीक है। इसके अलावा हमें मैसेज आया है रबिया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर खुर्रम, मेरे फेस पे एक्ने है जी, जो खत्म नहीं हो रही है, उनके निशान भी रह जाते हैं, जी खड्डे भी हो गए हैं खड्डे स्किन भी पे, हो गए हैं, कोई बिल्कुल क्रीम बता दें जिससे मेरा मसला ये हल हो जाए, खत्म हो जाए, बिल्कुल और मुलाकात भी करना चाह रही है। वो कह रही है जी, पूरी जो अच्छा आना चाह रही है, तो आ रहे हैं, कॉन्टेक्ट नंबर और वो तमाम चीजें भी बता देंगे, साथ बिल्कुल साथ बता देंगे वो तमाम लोग जो कि अभी प्रोग्राम सुन रहे हैं या देख रहे हैं, मैसेज करना चाहते हैं या बात करना चाहते हैं, तरीकेकार सुन लें, अपने सेल फोन के राइट मैसेज ऑप्शन में जाए, लिखें KHI स्पेस दें, मैसेज टाइप करें और 3636 पर सेंड कर दें। इसके अलावा आप हमें कॉल कर सकते हैं 1111 100 पर, आपकी कॉल हम शामिल करेंगे, आप बराह रास्त बात कीजिएगा और अब डॉक्टर खुर्रम बताएंगे कि आप जी, उनसे बिल्कुल, मुलाकात कर सकते जी, हैं, साथ बिल्कुल, ही आपका जो ये एक्ने का प्रॉब्लम है कैसे रिजॉल्व हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आप एड्रेस तो मैं आपको बताता रहता हूँ, आप नंबर भी लिख लें, ठीक है, एक तो आप FM जरूर सुना करें, मंगल को और थर्सडे को हम जरूर बताते हैं, नंबर आप लिख लें 03222532442, उर्दू में भी लिख लें 03222532,
4-4-2। अच्छा जी, थर्सडे फ्राइडे, आज थर्सडे है और फ्राइडे होता है, तो मैं होता हूँ थर्ड कमर्शियल लेन, यानी तीसरी कमर्शियल गली, बिहाइंड बैंक अल हबीब के पीछे, जमजमा Phase 5 DHA। दो तलवार से आप उल्टे हाथ पे मुड़ेंगे, छोटा सा जमजमा है, बिल्कुल छोटा सा, उस पे थर्ड कमर्शियल लेन है, बैंक अल हबीब देखेगा उसके पीछे, ठीक है, वहां स्किन विजन के नाम से। थर्सडे फ्राइडे शाम 6 से लेके और 10 बजे तक होता है, थोड़ी देर भी हो जाती है, 10 तक तो बिल्कुल आ सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा संडे, मंडे, ट्यूजडे, वेंसडे, इतवार, पीर, मंगल, बुध, शहीद मिल्लत रोड के साथ है सिराजुद्दौला रोड, नाहिद सुपर स्टोर से जो रोड जाती है डबल रोड उसको कहते हैं सिराजुद्दौला रोड, उस रोड पर ही बिल्कुल सीधा जाएंगे तो बिल्कुल एंड जब हो रही होगी राउंड अबाउट से पहले राइट साइड पे डॉक्टर आयशाज हेल्थ विजन हॉस्पिटल है, वहां पे मैं होता हूँ इतवार को दोपहर 1 से 6 और मंडे, पीर, मंगल, बुध को शाम 6 से लेके 10 बजे तक। आप किसी दिन आ सकते हैं, नंबर आपके पास है, कराची में 2 डिवीजन है, आप आराम से कहीं भी आ सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। एवरीडे वी हैव अ जी, कॉलर, लेट्स सी बिल्कुल हु डू वी हैव, उसके बाद हम एक बिल्कुल ब्रेक के जाने राइट जाएंगे। अस्सलाम बिल्कुल। वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं अली सईद कराची ले आ रही थे। जी? अली साहब फरमाइएगा, क्या पूछना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहता हूँ कि मेरा एक दोस्त है ना, तो उसको ये रिंग आते ना रिंग, जी जी रिंग रिंग दाद, जी अली भाई रिंग है उसको, दाद है जिस्म पे ना, जी 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 रिंग 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 जी बिल्कुल जी जी, तो जैसे कि पाँव नहीं घुटने से लेके तो ऊपर ये नाक तक यहाँ पे है, मतलब जी जी इलाज भी करा है, गोलियां भी खाई उसमें, मगर कुछ सही फायदा नहीं हो रहा, उसके लिए भी बता दे बिल्कुल बिल्कुल। मेरे को स्टेमिना मेरा जैसा कम है कि मैं जैसे चोटे वाले पे या आटा वगैरह चलाता हूँ तो सांस चढ़ जाती है। अच्छा, सांस चढ़ जाती है। अच्छा, आपके दोस्त करते क्या है, आपके दोस्त काम क्या वो करते हैं? दर्दी है, दर्जी है, तो वो मतलब उनको पसीना ज्यादा आता होगा, गर्म जगह पे काम करते जी होंगे जी ना, बिल्कुल सही है, मैं बेहतरीन बता रहा हूँ उनके लिए बता रहा हूँ आपके, अरे बड़ी मोहब्बत आपके लिए करते हैं, आपको सुनते रहना है, और दोस्त के लिए बता रहा हूँ जड़ से उनका रिंग गायब होगा और फिर आपकी स्टैमिना के लिए, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। लेकिन उससे पहले प्रोग्राम में शामिल बिल्कुल करेंगे ठीक एक अदद ब्रेक, ब्रेक से बिल्कुल वापस आएंगे, प्रोग्राम को कंटिन्यू करेंगे, आपके कॉल्स भी शामिल करेंगे, मैसेजेस भी बहुत सारे आए हैं वो भी शामिल करने हैं, लेकिन एक ब्रेक के बाद स्टे ट्यून्ड टू एफएम 100 पाकिस्तान। स्कूल फीस, ये किराया और ये बिल के एक आदमी अकेला घर कैसे चला सकता है? अरे सौदे के पैसे पिछले महीने से बचा के रखे, अब अकेले आप तो घर नहीं चलाते ना। खाना खाए? औरत सिर्फ खाना नहीं घर बनाती है, तो जो करें करें शान से। फ्री फेसबुक एंजॉय करें यू फोन सुपरकार्ड प्लस के साथ। साथ है बरसों का वो दाग मिटाए जो कोई ना कर पाए, हो बात एतमाद की सफेद जो चमक चमक जाए, हो बात एतमाद की रंग बस खिल से जाए, सूफी स्पेशल क्वालिटी सोप और सेवैया। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, हैदराबाद, रहीम यार खान, मुल्तान, अहमदाबाद, गुजरात, जेहलम, this is FM 100. FM 100. 100. 100. 100. 100. Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yar Khan, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum. Pakistan. This is FM 100. FM. All
ऑलराइट जनाब, वेलकम बैक। वापस आ गए प्रोग्राम लंच टाइम स्पेशल में। मैं हूं रबिया राजपूत और आपको हमारे साथ इस प्रोग्राम में दोपहर 3 बजे तक हमारे साथ स्टूडियोज में डॉक्टर खुर्रम बशीर भी मौजूद हैं। आप लोगों की कॉल्स और मैसेजेस भी हमारे साथ साथ। ब्रेक में जाने से पहले एक कॉलर को शामिल किया था, अली फरमा रहे थे कि रिंग्स का मसला है उनके दोस्त को और वो टेलर हैं, उनके लिए बता दें। बिल्कुल बिल्कुल, ये देखिए अली भाई की कॉल आई थी, उन्होंने कहा कि उनके जो दोस्त हैं वो टेलर है और उनको रिंग का मसला होता है। ठीक है, अच्छा, हम लोग अक्सर परेशान हो जाते हैं, इसको दाद कहते हैं कुछ लोग फंगल इन्फेक्शन कहते हैं, कुछ लोग रिंग कहते हैं, मतलब लोग बहुत सारे नाम होते हैं, इसलिए लोग बताता हूँ तो समझते नहीं होंगे। अच्छा, रिंग के लिए, अच्छा भाई के लिए जो आप कह रहे हैं कि उनको दांत का इशू है, अच्छा गोलियां भी खाएंगे और बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, पहली बात यह है कि भाई को हमेशा दर्जी है, बैठे रहते हैं, हो सकता है गर्म जगह पे काम करते हो और आप टांगों का बता रहे हो, सकता है बैठ के सिलाई करते हो तो टांग में यहाँ पे पसीना बहुत आ जाता है। अच्छा, एक तो कॉटन के कपड़े पहने करें, सूती कपड़े ना, शलवार वगैरह या उनकी पैंट्स, अगर जीन्स पहने होते हैं सारा दिन तो उससे बहुत ज्यादा फंगल इन्फेक्शन। शलवार पहने या पजामा टाइप होता है या लोअर्स होते ना, जैसे वो जिम वाले, हाँ वो कॉटन के, जिसमें आपका पसीना जो है जमा ना हो बल्कि एब्जॉर्ब हो जाए। सेकंड चीज ये कि आपको एक एंटी फंगल साबुन से नहाना है, ठीक है, सल्फर का साबुन मिलेगा। आप तो लियारी में हैं तो वहां से बड़ी मशहूर एक केस नाम शुरू होता है, बड़ी मशहूर फार्मेसी है, ठीक है, तो वहां पे जाएं, काफ से होता है, ठीक है, सिविल हॉस्पिटल के पास, ठीक है, तो वहां पे जाएं, उनसे कहें कि मुझे सल्फर का साबुन उससे रोजाना नहाएंगे झाग बना के, ठीक है, झाग बहुत ज्यादा नहीं बनेगा मगर अच्छी तरह से वहां मतलब रगड़ के। अच्छा, एक गोली उनको खानी है टर्बेनाफिन, उर्दू में लिख लें टर्बेनाफिन, ठीक है, बेना बीना की तरह लिखते हैं टर्बीना फिन, ठीक है, टर्बेनाफिन है वो मगर बीना की तरह लिख लें आप, टर्बेनाफिन 150 mg की, ये एक जेनरिक नेम है, किसी भी कंपनी की ले लें, टर्बेनाफिन, ठीक है, 150 mg की, हफ्ते में 2 गोलियां खाएंगे और पूरा महीना खाएंगे तो हो गई टोटल 8 गोलियां, ठीक है, ये जरूर खाएंगे। अच्छा, जिस्म पे क्या लगाना है, जिस्म पे आपको लगाना है ट्रेवोजिन, उर्दू में लिख लें TRAVOGEN, ट्रेवोजिन, ठीक है, ट्रेवोजिन क्रीम, और उसके साथ मिला के लगाएंगे बीटा सेलिक, ये दोनों ट्यूब है, इसको नारियल के तेल में मिलाएं और पूरे टांगों पे सुबह दोपहर रात लगाएं, और एक गोली रात को खानी है सिनर्जी ओडी, ठीक है, पानी खूब पिए, दूध पिए, दही पिए, सब्जियां खाएं, दालें खाएं, बस मिर्च मसाले और लाल मसाले की कढ़ाइयां वो नहीं खाएं, चाय भी पी सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बिल्कुल ठीक है। हसन का मैसेज है, उन्होंने कहा आपकी उम्र, पहले भी मैसेज शायद नहीं आपका नहीं आया था, आपने कहा उम्र आपकी 19 है और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डिप्रेशन और स्ट्रेस कैसे निकलेगा, कह रहे मैं पिछले 3 साल से डिप्रेशन का शिकार हूँ और किसी को बताया भी नहीं जाता। बिल्कुल सही कह रहे, बिल्कुल सही है। अच्छा, डिप्रेशन के लिए देखें आसान, बिल्कुल, एक तो पहली पता है 5 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपका जो भी रिलीजन है ना, आपका जो भी मजहब है, आपको थोड़ा सा उसकी तरफ थोड़ा सा एक होना चाहिए ना, किसी से एक आपका कनेक्शन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाँ, जैसे आपका जो भी रिलीजन है आपका अपना फेथ के हिसाब से, ठीक है। सेकेंड चीज हो गई बड़ा इंपॉर्टेंट कि एक्सरसाइज, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज करना, ठीक है। थर्ड चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि खाने में हम लोग क्या करते हैं कि जंक फूड और बहुत ज्यादा खाते हैं, उससे गैसेस बनती हैं जो आपके दिमाग तक चढ़ती हैं, ये बिल्कुल साइंटिफिक चीज बता रहा हूं आपको, ठीक है। उससे क्या होता है, जैसे हमने बहुत कढ़ाइयां खा ली, रात को 2 बजे खाई, टीवी देखते हुए खाते रहते हैं हम लोग, पता नहीं चलता, और उसके साथ ही बिस्तर पर लटके सो, उससे गैसेस चढ़ती हैं जिससे डिप्रेशन होता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल भी खराब, 2 कोलेस्ट्रॉल होते हैं, एक HDL होता है, एक LDL होता है, LDL जो होता है खराब वाला होता है, जब वो बढ़ता है जिसम में यंग एज में तो डिप्रेशन होता है, ठीक है। और सेकंड चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपका निजाम हजम, ठीक है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है आपका बिल्कुल सही होना चाहिए, सब्जियां खाएं, अमरूद खाएं, तुरई का इस्तेमाल करें, भिंडियां खाएं, कलेजी खाएं करें, एक्सरसाइज करें, ठीक है। और बड़ा सिंपल मैं आपको तरकीब बताता हूं डिप्रेशन दूर करने की, एक तो काम में आप बिजी होते होंगे, पढ़ाई वगैरह सही तरह करनी, और अगर पढ़ाई देखें ये भी होता है कि कोई चीज हम कर रहे हैं, कोई एक सब्जेक्ट है, किसी को मैथ्स दे दिए उठा के, अम्मा अब्बा की फरमाइश है कि आप मैथ्स करें, ठीक है, और आगे इन द लॉन्ग सब 9th-10th तक तो चल जाता है, उसके आगे बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो आपके लिए जो चीज कंट्रोल में नहीं है वो बड़ा मुश्किल है, तो उसके लिए एफर्ट करें मगर से आप थोड़ा हटें। और रात को सोते हुए 1 कप बगैर बलाई का दूध, ठीक है, उसके अंदर डालेंगे 1 चम्मच भर के खाने वाले तिल, जो लड्डू के तिल नहीं होते वो, और खसखस इनको ब्लेंड करें, ठीक है, ऊपर से 1 चम्मच
एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल, ठीक है, और चंद ड्रॉप्स इसके अंदर आप डालेंगे मीठे बादाम का। एक तो दो तेल होते हैं, एक तो पीने वाला होता है, एक लगाने वाला। पीने वाला चंद कतरे बादाम का तेल, ठीक है। फिर से लिखें, दूध एक चमचा भर के खाने वाले तिल पीस के, एक चमचा खशखाश, उसके अंदर डालेंगे चंद कतरे मीठे बादाम का तेल, एक चमचा नारियल का एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। मजे का ड्रिंक तैयार हो जाएगा, पिए इतनी अच्छी नींद आएगी और डिप्रेशन भी आहिस्ता आहिस्ता। और सबसे बड़ी बात ये कि आप FM 100 देखा और सुना करें तो आपको डिप्रेशन बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। ठीक है, अच्छा हमें मैसेज आया है इनका, आयशा का, वो कह रही है अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मुझे ये पूछना था कि अपर लिप के लिए डॉक्टर खुर्रम प्रॉब्ली आपने बताया होगा विटामिन ए क्रीम जी जी बिल्कुल और मीठा सोडा और बिल्कुल बिल्कुल गैर जरूरी बालों के लिए बिल्कुल 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 बताया था बिल्कुल। वो कह रही है कि इसको जिससे उल्टन का भी बता दे। मैं बताता हूँ, देखिये सबसे पहले जिसको भी जरूरी बाल हो रहे हैं, ठीक है, आपने क्या किया, विटामिन ए क्रीम, ठीक है, विटामिन ए क्रीम, उसके अंदर विटामिन ए हर जगह मिल जाएगी, मटर के दो मटर के दाने, इसके अंदर बहुत सारा विटामिन ई लोशन, ठीक है, मॉइस्चराइजिंग लोशन, और थोड़ा सा चुटकी बिल्कुल मीठा सोडा मिलाएं और पूरे चेहरे पे लगा के छोड़ दें, ठीक है। और उसके बाद क्या करें, उपटन होता है चांदनी चंदन उपटन, मैं आपको दिखाऊंगा, भी भूल जाता हूँ यहाँ पे जल्दी। उसमें क्या करें, हल्का सा चमेली का तेल, अरके गुलाब और थोड़ा सा इसके अंदर दूध मिलाएं और मिक्सचर बना के रोजाना आधे घंटे के लिए, 40 मिनट्स के लिए, दोपहर में आप काम कर रही हैं, सफाई कर रही हैं, FM सुन रही हैं, तो आपने लगाया, लगा रहने दिया, आधे घंटे में वो सूख जाएगा, पंखे के नीचे चली जाए या कोई हवा के पास चली जाए, सूख जाए, तो उसको क्या करें, हल्का हल्का नम करके, मतलब बहुत रगड़ना नहीं है, मतलब बड़े आराम आराम से मुलायमत से ये करें तो आपके बालों की ग्रोथ कम होगी। और इवनिंग प्रिम रोज ऑयल विद GLA, ठीक है, ईव ग्लो सुबह शाम खाएं, आपके बाल बिल्कुल गायब हो जाएंगे। फिर भी नहीं होते तो एक ब्लैक पाउडर थेरेपी होती है, वो मैं आपको कभी डेमोन्स्ट्रेट अगर मौका हुआ FM, क्योंकि हमारा स्टूडियोज हम एक घंटा होता है, बहुत सवाल होते हैं, दिखा नहीं पाते, मगर दिखाऊंगा मैं आपको। लेजर नो मैटर, हम लोग कितने काले हैं कितने गोरे हैं, एशियाई जल्द है, एशियन यानी तुर्की से लेके और इंडोनेशिया तक, अगर जो मुल्क आते हैं, पाकिस्तान बिल्कुल सेंटर में है, तो उन मुल्कों में हमारी स्किन पे तो चलता ही नहीं लेजर। आप आजमाया हुआ है, ट्राई करें, और स्टडीज हैं, ठीक है, यूरोपियन स्किन के लिए, जो यूरोपियन स्किन होती है या बहुत डार्क अफ्रीकन स्किन होती है, अफ्रीकी, उनके लिए सही है, मगर हमारी और लैटिन लातिनी अमेरिका जो है, जैसे कि मेक्सिको हो गया, ब्राजील हो गया, उनके लिए नहीं है ये, हमारी स्किन टाइप 3, 4, 5 है, तो हमारे लिए लेजर बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल ठीक है, अच्छा किसी ने मैसेज किया है, अपना नाम नहीं लिखा, उन्होंने कहा अम्मी को जोड़ों में बहुत तकलीफ होती है, इसके लिए कुछ बता दें। भाई जोड़ों के लिए बेहतरीन है, एक तो अम्मी को ना मुर्गी के पंजों का सूप पिलाया करें, ठीक है आप, ठीक है। उसके अलावा खुम्बिया, जिसको उर्दू में मशरूम्स कहते हैं, वो किया करें। तीसरी चीज, एक बड़ी अच्छी सब्जी आजकल आती है, जैसे कहते हैं कि जैसे पालक की तरह होती है वो, और मेथी नहीं, मैं बड़ा मशहूर होती है वो, बहुत लोगों को इतना आइडिया नहीं है, और बड़ी ताज़ा बड़ी एनर्जेटिक, तो मूली की तरह होती है थोड़ी सी, अब अभी बताऊंगा, अभी मुझे याद है, वो खिलाएं। अच्छा, और अम्मी को जो जोड़ों का दर्द है उसके लिए आप क्या करें, एक कड़वे बादाम का तेल लें, ठीक है, कड़वे बादाम का तेल लें, उसके साथ क्या करें आप, तकरीबन एक पाव कड़वे बादाम का तेल, उसके अंदर 3 ट्यूब Xylo-8 XYLO-AID जेल मिलाएं, उसके अंदर थोड़ा सा कूट के आप डालें, इसके अंदर मेथी दाना, जबरदस्त तेल तैयार होगा, और मिला के अम्मी के जोड़ों पे जहां जहां दर्द है वहां मालिश करें, ऊपर से मलमल का दुपट्टा बांध दें, और वैसे तो अब ये बहुत बेहतर होगा उनको। इसके अलावा अम्मी को दूध एक कप पिलाया करें, दही पिलाएं, और अगर शदीद पेन हो तो एक काम, हर वक्त नहीं, जब भी अगर शदीद पेन हो तो 2 गोलियां 20 मिलीग्राम की टाइटेक्स, ठीक है, वो खिलाया करें, देखिए अम्मी कितना फिट हो जाएंगी, ठीक है। थोड़ा वॉक अम्मी को कराएं, थोड़ा उनके पट्ठों की हड्डियों की थोड़ी सी गर्माहट हो, मालिश करें थोड़ा, इंशाल्लाह बिल्कुल वो ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक है, इसके साथ प्रोग्राम में एक अदद कॉलर को शामिल कर लेते हैं, आप लोग कॉल करें 111111100 पर, लेट्स सी हु डू वी हैव। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर, कैसे हैं जी? अस्सलाम वालेकुम मैडम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं शराबी जी। सर कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं डॉक्टर? मुझे एक मशवरा दें, मेरे ना दांतों में ठंडा गर्म बहुत लगने लगा है। बिल्कुल नर्व का इशू जी, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मुझे आपने ये बताना है कि ये मेरी बच्ची का जो फ्रैक्चर हुआ था ना हाथ, तो मुझे सब कह रहे हैं जैतून के मालिश करो। क्या कह रहे हैं कि? जैतून के तेल की मालिश। अच्छा, फ्रैक्चर हुए कितने दिन हो गए उनके? ये 15 जुलाई को हुआ था।
अच्छा अब बिल्कुल हड्डी ठीक है, जुड़ चुकी है, कोई दर्द जी नहीं है? हड्डी जुड़ गई है, बस उसका थंब और काम नहीं का। अच्छा वो एक्टिव नहीं है ना, मगर आपने डॉक्टर को दिखाया? जी जी। वो क्या कह रहे हैं? उनका ट्रीटमेंट हो रहा है, उन्होंने कहा देखिए इनकी वेंस डैमेज हो गई थी, रिपेयरिंग हमने सब कर दी है। अच्छा। और ऑपरेशन इनका परफेक्ट है, बस ये अब आहिस्ता आहिस्ता कवर होगा। अच्छा मगर आपने ये जो उनको अभी अंगूठा जो मूव नहीं कर रहा, ये ऑर्थोपेडिक को दिखा रही हैं आप या जी? नहीं अब आप ये दिखाएंगी, अब ये ऑर्थोपेडिक का काम ही नहीं है, उन्होंने हड्डियां कर दी, अब आप दिखाएंगी न्यूरोलॉजिस्ट जो नर्व्स को करते हैं। ये वेन्स नहीं है, ये नर्व है, जो आसाबी निजाम होता है ना, जो न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं, एक तो दिमाग के डॉक्टर होते हैं वो नहीं, एक नर्व के होते हैं न्यूरोलॉजिस्ट, उनको हाँ उनको दिखाएंगे और मुझे यकीन है वो क्या देंगे उसको, मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ और आप देखिए आप टेली करिएगा वो क्या देंगे, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया फराबिद आपकी कॉल का। और एक और कॉल को भी शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन कहाँ से? जी कराची से बोल रही हूँ, शाजिया। कराची से बोल रही है तो इतना लाउड क्यों बोल रही है, आप आवाज आ रही है? मुझे डॉक्टर साहब से बात करनी थी। जी सलाम शाजिया, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं जी, अल्लाह का शुक्र है। डॉक्टर साहब मुझे ये बोलना था कि मेरी छोटी उम्र से काफी टाइम से बाल सफेद है, लेकिन अब मेरी 32 साल उम्र हो गई है। अच्छा, अच्छा। अब बाल बहुत ज्यादा सफेद हो गए हैं। अरे शाजिया बिल्कुल बाल बिल्कुल सही होंगे, मैं अली भाई के पास आपके लिए तेल भी रखवाऊंगा, आपके लिए तो तोहफा है आपके बोलने के स्टाइल पे, ठीक है? मैं एक तेल दिखाऊंगा आपके लिए, तेल रखवा रहा हूँ, वो आप FM से कलेक्ट करवा लें, ठीक है? FM 100 से, ठीक है? पता मैं फर्स्ट टाइम आपको कॉल कर रही हूं, पता है FM को कहाँ से मिलेगा? FM 100 पूरा पाकिस्तान जानता है कराची स्टूडियोस कहाँ है। आप प्रोग्राम के बाद कॉल गूगल कर लें और प्रोग्राम के बाद इसी नंबर पे कॉल कर लें, मैं आपके लिए अब मैं दिखाऊंगा भी एक तेल, मैं आपको बताऊंगा उसमें सिर्फ क्या करना है और गोलियां बताऊंगा, ठीक है जी? ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये जब हमारी अम्मा बात करती है ना अपने रिलेटिव से इंडिया, तो फिर वो जो ऐसी मैं कहती हूँ अम्मा क्या हो, क्या आवाज जा रही है, दूर तक आवाज पहुंचा रही होती है ना, अक्रॉस द बॉर्डर। अच्छा बिल्कुल बिल्कुल, पहले फराबिद ने पूछा पहले उनका जवाब, पहले फराब मिस फरा का। अच्छा मिस फरा कह रही है बेटी को उनके फ्रैक्चर हुआ था और अब बिल्कुल ठीक हो गया, हड्डियां बिल्कुल ठीक है, मगर उसका थंब काम नहीं हो रहा, अब ये न्यूरोलॉजी का मसला है, ठीक है? न्यूरोलॉजिस्ट का, ठीक है? वो क्या करेंगे अभी फिलहाल, आप क्या करें उनकी, डेफिनेटली आप मालिश कर सकती हैं, हल्के से कड़वे तेल से मालिश करें, और एक मल्टी विटामिन है जो नर्व्स के लिए, मिथाइल कोबालामिन, ठीक है? मिथाइल COBALAMIN, मिथाइल कोबालामिन दही के साथ उसे खिलाना शुरू करें, बहुत तेज फर्क पड़ेगा। एक मशवरा मुझे यकीन है वो ये करेंगे, अगर थोड़ी बड़ी उम्र होती है तो मिथाइल कोबालामिन और न्यूरोबियन के इंजेक्शन मिला के लगाए जाते हैं, वो भी यंग है छोटी है तो उसे टैबलेट आप देंगे मिथाइल कोबालामिन दही के साथ, और उसके हल्के से पट्ठों मालिश करें, आप देखें विद इन 10 डेज बिल्कुल नर्व मजबूत हो जाएंगी, वो अंगूठा काम। मिथाइल कोबालामिन सुबह दोपहर रात, ये मल्टीविटामिन बहुत सस्ती है हर जगह मिलेगी, 3 टाइम फॉर 10 डेज, 30 यानी 3 times 30 30 गोलियां खिलाएं और कड़वे तेल की मालिश करें, आप अगले हफ्ते हमें फोन करके बताएंगी कि अंगूठे मूव करें, ठीक है? अच्छा जी शाजिया की कॉल थी, शाजिया को हम बताएंगे, शाजिया को हम उसका जवाब बताएंगे एक ब्रेक के बाद। Stay tuned to FM 100 पाकिस्तान। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, हैदराबाद, Rahim Yar Khan, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum, across Pakistan. This is FM 100. FM 100. 100. 100. दौड़ी जाए बिना स्टॉप के हमको बढ़ाए, जिंदगी की गाड़ी चलाए, AGS छटके पटके खूब संभाले, टूटा फूटा रूप निभाले, कड़ी धूप में स्नोफॉल में परफॉर्मेंस में फर्क न लाए, AGS
life's a full stop mitaye AGS AGS oh 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 AGS AGS oh 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 guzishta 50 saalon se hamari quality ka safar bulandi ki janib gamzan hai taake badhti rahe life ki gaadi aur gaadi ki life AGS baat hai quality ki गाड़ी का एड देखा था जी जी आ जाऊँ अभी क्या ठीक है मैं आपको लोकेशन भेज देता हूँ आप मुझे पहुँच के कॉल कर लीजिएगा ओके ओ हाँ भाई कितने की है पहले आप गाड़ी तो देख लें हाँ तो कितनी चली हुई है यही कोई 40,000 किलोमीटर और गाड़ियां भी है घर पे या यही हाँ यार वहीं पे हूँ रुक तुझे पिक्चर सेंड करता हूँ चले दोस्त के साथ चक्कर लगाता हूँ अकेले रहते जी भरोसा करोगे क्या कार फर्स्ट को गाड़ी बेचो बगैर किसी परेशानी इंस्टेंट ऑफर सिक्योर पेमेंट और भी बहुत कुछ है जानी डॉलेंस और आप हमेशा का साथ डॉलेंस लाया सुपर सेवर डिस्काउंट ऑफर अब हासिल करें डॉलेंस के तमाम रेफ्रिजरेटर्स पर 15% तक का डिस्काउंट क्योंकि डॉलेंस रिलायबल है ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है आम खांसी का सिरप दिया तो ये सुस्त हो जाएगी खांसी से फौरी रिलीफ के लिए डॉक्टर कॉफ हर्बल सिरप जो इन्हें बिल्कुल डल नहीं करेगा डॉक्टर कॉफ हर्बल सिरप नेचुरल हर्ब से फार्मास्यूटिकल स्टैंडर्ड्स पर तैयार किया जाता है जो शुगर फ्री और हनी में भी दस्तियाब है डॉक्टर कॉफ नेचुरल प्रोडक्ट्स विद नो साइड इफेक्ट्स फ्रॉम हाइमोंड ब्रो व्हाट्स अप अली खाना पका रहा है खाने का क्या करूं? डोंट कुक फूड पैंडा करो अब खाने पकाने की फिक्र से हो जाओ आजाद और किचन को ताला लगाओ फूड पैंडा ऐप डाउनलोड करके दुनिया जहां का मेन्यू ब्राउज करो डील चूज करो और डिलीवरी एड्रेस डालकर एक क्लिक से फूड पैंडा करो तो क्या करो फूड पैंडा करो डोंट कुक फूड पैंडा करो वाह तुम पेगी काले रंग दा परांदा मेरे सजना ले आंदा नी मैं चुम चुम रख दी फिरा मैं पप्पा पार नच दी फिरा मैं पप्पा पार नच दी फिरा हर रंग हर सितारा हर शहर हर गांव हमारा पाकिस्तान का नंबर वन डेटा नेटवर्क जोंग 4G एक नया ख्वाब आम खांसी का सिरप दिया तो ये सुस्त हो जाएंगे खांसी से फौरी रिलीफ के लिए डॉक्टर कॉफ हर्बल सिरप जो इन्हें बिल्कुल डल नहीं करेगा डॉक्टर कॉफ हर्बल सिरप नेचुरल हर्ब से फार्मास्यूटिकल स्टैंडर्ड्स पर तैयार किया जाता है जो शुगर फ्री और हनी में भी दस्तियाब है डॉक्टर कॉफ खांसी जाए सुस्ती ना आए डॉक्टर कॉफ नेचुरल प्रोडक्ट्स विद नो साइड इफेक्ट्स फ्रॉम हाइमोंड व्यूअर्स ये बिरयानी बनाना बहुत ही आसान 45 इजी स्टेप्स कोरिएंडर टर्मरिक पाउडर पपाया लीव थोड़ी सी दिमाग की दही और 4 घंटे में बिरयानी तैयार चार घंटे
तब तक तो भूख ही उड़ जाएगी। तो फिर खाने का क्या करूं? डोंट कुक, फूड पांडा करो। अब खाने पकाने की फिक्र से हो जाओ आजाद। इट्स इजी, किचन को ताला लगाओ। फूड पांडा ऐप डाउनलोड करके दुनिया जहां का मेन्यू ब्राउज करो, डील चूज करो और डिलीवरी एड्रेस डालकर एक क्लिक से फूड पांडा करो। तो क्या करो? फूड पांडा करो। डोंट कुक, फूड पांडा करो। जब चेहरों पे प्यार दमकने लगे, जब सेहत का रंग चमकने लगे, ये इटालिया ऑलिव ऑयल ही तो है। जब जिंदगी का मजा आने लगे, जब हर चेहरा सदा मुस्कुराने लगे, ये इटालिया ऑलिव ऑयल ही तो है। इटालिया ऑलिव ऑयल इंपोर्टेड है। ये आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को बैलेंस्ड रखता है और इसकी सिर्फ 50% मिकदार मुतवाजन और लज्जत से भरपूर खानों के लिए काफी है। दिल का दोस्त है इटालिया। गुड फॉर बोन्स, इटालिया। इटालिया ऑलिव ऑयल ही तो है, क्योंकि अपनों से प्यार है। जानू, क्या हुआ? तानिया, वो आज मैंने फ्रेंड्स को डिनर पे बुलाया था। जाकिर, साकिब, जारा, तरा, सारा, सलमान सब आ रहे हैं। अम्मी भी आ रही हैं और अब्बू भी। मैं बताना ही भूल गया। और चाचा जी। Hello! तो खाने का क्या करें? डोंट कुक, फूड पैंडा करो। अब खाने पकाने की फिक्र से हो जाओ आजाद। जी जी, किचन को ताला लगाओ। फूड पांडा ऐप डाउनलोड करके दुनिया जहां का मेन्यू ब्राउज करो, डील चूज करो और डिलीवरी एड्रेस डालकर एक क्लिक से फूड पांडा करो। मीठे में क्या करूं? फूड पांडा करो। डोंट कुक, फूड पांडा करो। Essentially unmistakable, progressive and impossible to categorize. It is spontaneous. Whether in town or off the beaten track, in everyday life or off the clock. Exceeding expectations. Behold, the impressive new BRV. ठंडा या गर्म खाने की वजह से दांतों की नसों में सनसनाहट महसूस होती है, जिससे पेशेंट को तकलीफ का एहसास होता है, जिसको हम सेंसिटिविटी कहते हैं। मैं सेंसिटिविटी के लिए सिर्फ अपने पेशेंट्स को सेंसोडाइन ही रेकमेंड करता हूँ। सेंसोडाइन बिल्कुल किसी भी आम टूथपेस्ट की तरह दिन में दो दफा इस्तेमाल किया जा सकता है। और अब नया सेंसोडाइन हर्बल मल्टीकेयर। Essentially unmistakable, progressive and impossible to categorize. It is spontaneous. Whether in town or off the beaten track, in everyday life or off the clock. Exceeding expectations. Behold, the impressive new BRV. Biggest sale is here. J-Dot Summer Clearance brings up to 50% off on all items from 10th till 27th October. In stores and online at JunaidJamshed.com. Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yar Khan, Multan, Abbottabad, Gujarat, across Pakistan. This is FM 100. FM.
ऑलराइट जनाब, वेलकम बैक. वापस आ गए प्रोग्राम लंच टाइम स्पेशल में. मैं हूं रबिया राजपूत. मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद है डॉक्टर खुर्रम मुशीर. और ब्रेक पे जाने से पहले हमने कॉलर को शामिल किया था शाजिया. जी 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 बिल्कुल, हमारी जबरदस्ती कॉलर है, उन्होंने ज्वाइन किया. एफएम 100 आप मालूम कर चुके होंगे कराची स्टूडियोज का है. आप यहाँ आके अपना जबरदस्त तेल ले जाएं, अपना नाम बताइएगा, अली भाई के पास आइएगा, उनसे कहें कि मेरा तेल जो है बालों के लिए वो यहाँ मौजूद होगा, वो दे दें. अच्छा, तेल मौजूद है, उसमें क्या क्या है मैं आपको बताऊं. उसके अंदर है आंवला, रीठा, सिकाकाई, खस, अखरोट के छिलके, थोड़ी सी ज़ाफ़रान, उसके अंदर मेथी दाना, और इन तमाम चीज़ों को पकाया गया है आंवले के तेल में, जैतून के तेल में और सरसों के तेल में, और उसके अंदर ऐड किया थोड़ा सा तारामीरा का तेल. ठीक है, ये बड़ा बेहतरीन तेल है. इसको आप क्या करें, घर पे ले जाएं, इसको इसके अंदर आप जो पूरी शीशी है एक चमचा भर के इसमें सुरमा डालें, कोई सा भी सुरमा जो आपके घर में मौजूद हो, मिला के अच्छी तरह से शीशी को हिलाएं, जब भी लगाए करें हल्का सा गर्म करके बालों में लगाएं. अच्छा, गजा में क्या किया करें आप, थोड़ा सा ना किशमिश और मुनक्का, ठीक है, किशमिश और मुनक्का खाया करें. ठीक है, दूध पिया करें, और इसके अलावा कोशिश करें कि मछली का इस्तेमाल करें, और एक मल्टीविटामिन है हुरमा, HURMA, ठीक है, हुरमा, ये आप सुबह शाम लें दूध के साथ. इसके अंदर है हॉर्स टेल एक्सट्रैक्ट, बहुत जल्दी आपके बाल जो हैं वो जो वक्त से पहले सफ़ेद हो गए हैं वो अपने नॉर्मल रंगत में आ जाएंगे, और आहिस्ता आहिस्ता घने भी होंगे, आईब्रोज, आई लैशेस, आपके बाल अच्छे होंगे. अच्छा, एक बात मैं आपको और बता दूं, लोग बड़े परेशान, अक्सर सवाल में इतने सुनने को मिलते हैं, लोग कहते हैं जी अगर हम तेल लगा रहे हैं वो तो ठीक है, मगर खाने की गोलियां जो बाल घने करती हैं तो उससे हमारी दाढ़ी तो नहीं आ जाएगी. भाई देखिए, ये हार्मोन्स का इशू होता है, लड़कियों का ख्वातीन का ये हिस्सा हार्मोन्स से, जैसे हमने देखा होगा कि जैसे आम बहुत ही कम होता है, जैसे मर्द हैं दाढ़ी बड़ी घनी है मगर बिल्कुल सर पे बाल गायब हो जाते हैं, तो वो एक हार्मोन्स होता है, मर्दाना हार्मोन्स और जनाना हार्मोन्स में, ख्वातीन के हार्मोन्स में बहुत फर्क होता है. तो ये मल्टी विटामिन जो है ये आपकी उमूमी यानी आपकी जनरलाइज्ड हेल्थ को अच्छा करते हैं, तो ये आपका हेल्थ को अच्छा करते हैं. और जब हेल्थ अच्छी होती है तो उससे क्या होता है कि मर्दों के हार्मोन्स मर्दों में बढ़ेंगे, औरतों के हार्मोन्स औरतों में बढ़ेंगे, तो हार्मोन्स से ये लिंक्ड होती है दाढ़ी या जिस्म के बाल. ठीक है, या विरासत मिलता है आपको, इनहेरिटेड होता है कि कुछ खवातीन की ग्रोथ चेहरे पे थोड़ी ज्यादा होती है क्योंकि मौरूसी होता है, तो वो एक अलग चीज है. बाल बढ़ाने की गोलियों से सिर्फ सर के बाल बढ़ते हैं, आईब्रोज आईलैशेस ये हिस्सा अलग है और ये बाकी जिस्म अलग होता है. बिल्कुल ठीक है. एक और ब्रेक शामिल करने से पहले कुछ मैसेजेस शामिल करेंगे. वसीम का मैसेज आया है फ्रॉम कराची, उन्होंने कहा अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. एज आपकी 18 है और आपने कहा मेरा वेट बहुत कम हो गया है. अच्छा. 40 केजी कुछ बता दें वेट बढ़ाने के लिए. अच्छा, वेट के हवाले से काफी सारे क्वेश्चन आए हैं. एक खातून ने भी मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज किया था, हमारी लिसनर, उन्होंने कहा कि वेट मेरा बहुत ज्यादा बढ़ गया है और लोग जो है जब ट्रॉल करते हैं और क्वेश्चन करते हैं और कुछ लिखा है उन्होंने, इस्तेमाल किया था, कुछ फायदा नहीं हुआ. अच्छा अच्छा ठीक है, बिल्कुल सही कर रहा प्रॉब्लम. अच्छा ठीक है, बिल्कुल सही है. अच्छा जी, पहला जो है हमारे जो हमारा था वही वो चाह रहा है की थोड़ा सा उसकी बॉडी जो है वो जरा हैवी हो जाए. देखिए, बॉडी हैवी करने के लिए, वजन बढ़ाने के लिए आपको बड़ा जबरदस्त बता, उसका नाम क्या था हमारे वसीम. अच्छा वसीम, बहुत अच्छी बॉडी हो जाएगी आपका, लिखो. अच्छा, एक तो क्या किया करो आप रोजाना रात में, आप खुद बनाना बड़ा सिंपल सा, एक छोटा प्याला मिट्टी का, बड़ा वाला, एक तो खीर आती है ना उसी तरह की मिट्टी का बड़ा प्याला आता है, बहुत मिलते हैं प्याले वाले से, मिट्टी वाले से ले लेना. ठीक है, आप उस प्याले को धो के उसके अंदर दूध भरो फुल. ठीक है, उसके अंदर थोड़ा सा पिस्ता, बादाम, किशमिश, ज़ाफ़रान, थोड़ी सी कलौंजी, उसके साथ दो चमचे केवड़ा, एक चमचा शहद और एक चमचा इसके अंदर डालो एक्स्ट्रा अलग सी बलाई, और इन तमाम चीज़ों को आप अच्छी तरह से कवर करके ढक दो अच्छी तरह से, और थोड़ी गुलाब की पत्तियाँ, और इनको अच्छी से जैसे हल्की सी वो होती है जैसे ना क्या कहते हैं नेट टाइप, ठीक है, जैसे चांद जो रात में शबनम है थोड़ी बहुत उसके अंदर आती रहे, ऐसी जगह पे आप खिड़की के पास रखें जहां थोड़ी शबनम आती रहे, कीड़े मकोड़े ना आए, वो नेट की वजह से. और सुबह को ये नहार मुंह लेना
आप एक गोली रोजाना हुरमा के साथ, हुरमा में क्या है, एक तो बहुत ताकत है, हॉर्सटेल एक्सट्रैक्ट घोड़े की ताकत है, उससे बाल बहुत अच्छे होंगे, आपकी बॉडी बहुत भरना शुरू होगी और सेहत अच्छी होगी, ठीक है। सेकंड चीज, गहरी गहरी सांस, सुबह को थोड़ा जल्दी उठ के आप गहरी गहरी सांसें लो, अगर कोई गार्डन है करीब में नंगे पैर उस पर आप चलें, ठीक है। नंगे पैर चलने से क्या होता है कि बहुत ज्यादा आपका खून बनता है और चेहरे पे लाली सुर्खी आएगी, ठीक है। उसके अलावा कलेजी खाया करें, हफ्ते में एक दिन बकरे की या गाय की या मुर्गी की कोई सी भी थोड़ी सी भुनी हुई कलेजी खाया करें। अच्छा, सेकंड चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अपनी गजा में ना आप ताजा सब्जियां, अनार, थोड़े थोड़े ये सब करें और वर्जिश करें, थोड़ी सी एक्सरसाइज करें, बहुत फर्क पड़ेगा, बॉडी बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। अब रेगुलर रहना, फिर हमें बताओ आप 2 वीक्स में। बिल्कुल ठीक है। और वेट बहुत ज्यादा है कम करने, अच्छा वेट बहुत ज्यादा, जी वेट बहुत ज्यादा के लिए देखिए, एक तो ग्रीन टी में बड़ी जबरदस्त बता रहा हूँ, मौसम भी आ गया, 8 ग्लास ये पूरा थर्मस में बना के रख लें, और जिन खवातीन और हजरात का वजन ज्यादा है बहुत तेज से फर्क पड़ेगा, 8 ग्लास पानी, ठीक है, 6 चमचे गुले यास्मीन की चाय, जैस्मीन टी, ठीक है, 8 ग्लास पानी, 6 चमचे गुले यास्मीन की चाय, इसके अंदर आप ऐड करेंगे थोड़ी सी 1 से 2 लौंगे, थोड़ी सी कलौंजी और अजवाइन, और इनको खूब पकाएं, इतना पकाएं कि 8 कप 6 कप रह जाएं, ठीक है। इसको थर्मस में भर लें और छोटे वाले होंगे ये छोटे से, और सुबह से रात तक चुस्कियां, जैसे 2 घूंट लिया तो 1 कप खत्म हो गया, सुबह से रात तक ये 7-8 कप पिए। एक तो इससे आपकी चर्बी बहुत पिघलेगी, ठीक है, आपका वजन कम होगा, आपका कोलेस्ट्रॉल कम होगा, आपका शुगर लेवल मेंटेन रहेगा, अगर आपको शुगर नहीं है उसमें थोड़ा सा मिठास के लिए गुड़ या आप शहद डाल सकते हैं, ठीक है। और साथ में क्या करें, सुबह दोपहर रात 1-1 टैबलेट सेल्यूस्लिम लें, ठीक है, और पेट पे मालिश करें सेल्यूस्लिम जेल की, पानी बहुत पिए, रोटी चावल जो भी आपके घर में आएगा ब्राउन आएगा, शक्कर ब्राउन, चावल ब्राउन, आटा ब्राउन, ठीक है, ये तमाम चीजें ब्राउन होंगी, व्हाइट आटा और मैदे की चीजें और मिठाइयां और आइसक्रीम्स और कुल्फियां ये खाएं, मगर थोड़ी कम, और थोड़ा वॉक करें, मतलब ये नहीं कि मैं कह रहा कि आप जिम ही जाएं, घर में थोड़ा चलें फिरें, बैठें तो थोड़ा सा उठा करें, मूवमेंट करें, पानी सुराही का पिएं, मटका खरीद लें उसका पानी पिएं, इससे पता है बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि अगर आप ठंडा पानी पीते हैं तो आपकी बॉडी में चर्बी और स्टोर्ड हो जाती है, और नीम गर्म या थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर का तो चर्बी पिघलती, तो तमाम चीजें करें आप देखें बहुत जल्दी फर्क पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। रबिया मैडम, डॉक्टर खुरम से ये पूछना है कि गुर्दे में इन्फेक्शन का कोई इलाज बता दें, कोई दवा बता दें। बिल्कुल बता देते हैं और उसके बाद हम फिर बिल्कुल जाते हैं, बिल्कुल जाते हैं, बिल्कुल। अच्छा देखिए, गुर्दे के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपने पूरा इलाज कराया और ठीक है तो ठीक है, कोई मसला नहीं, फिर हम आपको बताते हैं कि गुर्दा बिल्कुल क्लियर है। एक तो पानी बहुत सारा पीना, बहुत, सुबह दोपहर रात 2-2 चमचे 1 ग्लास नीम गर्म पानी में थोड़े से पुदीने के पत्ते और 2 चमचे सिट्राल का ये डालकर पिए, और उसके अलावा बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कॉड लिवर ऑयल, ठीक है, कॉड लिवर ऑयल, ये आपके तमाम जो गॉल ब्लैडर में जिसको कहते हैं ना पित्ता, उसमें जो पथरी बन जाती है या किडनी में स्टोन्स बनते हैं उसको ये रोकता है, ये अच्छा वाला ऑयल है, ठीक है। 1-1 चमचा सुबह शाम से कॉड लिवर ऑयल, जो मछली, एक खास मछली होती है उसका, इसके अंदर बड़ी पावर होती है, सुबह शाम 1-1 चमचा ये पिए, 3 टाइम सिट्राल का पिए, पानी ज्यादा पिए, पुदीने का इस्तेमाल आप अपनी गिजा में, पुदीने का, धनिया का, इसका इस्तेमाल ज्यादा करें, आप देखें बहुत जल्दी आपकी किडनी सही होंगी। और दूसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो हम पानी की जगह हम कमी पूरी करते हैं ना कॉफी से, चाय से, और समझते हैं वो बहुत 8-9 रंगों की ड्रिंक्स आती है, तो वो बिल्कुल नहीं पीना, उससे आपका किडनीज और खराब होंगी। बिल्कुल ठीक है। इसके साथ ही प्रोग्राम में शामिल करें एक अदद ब्रेक, ब्रेक से वापस आएंगे, आपकी कॉल भी शामिल करेंगे, मैसेजेस, कॉमेंट्स भी हैं वो भी शामिल करने, स्टे ट्यून्ड टू एफएम 100 पाकिस्तान। Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yar Khan, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum, across Pakistan. This is FM 100. FM 100. आप ही ने बुलाया है। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। आ जाओ अंदर आ जाओ। ओ कितना प्यारा खिलौना है, थक गए होगे? आपको देख के सारी थकन दूर हो गई। ओ मेरा बच्चा, अच्छा किया तुम इसे ले आए, इसके ऊपर रहता तो ये कभी भी ना आता। नहीं मम्मी, ऐसी
कैसे मिस ना करता माँ जी, और काम कैसा चल रहा है? आपकी दुआओं से सब कुछ अच्छा जा रहा है। इधर आओ अली, दादो भी पढ़ रहे हैं ना? तुम लोग फ्रेश हो जाओ, फिर सब साथ मिलके बैठ के चाय पियेंगे, ठीक है? बहू, इनकी किसी बात का बुरा ना मनाना। अम्मी, बड़ों की बातों का बुरा नहीं मनाया जाता। इतने अरसे बाद बच्चे घर आए, ऐसा करता है कोई अपनों के साथ? चाय भी लाई? जैसी चाय तुम बनाती हो और कोई ऐसी चाय नहीं बना सकता। आज चाय बहू ने बनाई। इतना अरसा आपके साथ रहकर भी बराए हाथ की चाय का फर्क नहीं पहचान सके। जब इसमें फर्क नहीं तो आपके प्यार में क्यों? दिल बड़ा हो तो रिश्तों का फासला सिमट ही जाता है। मीजान अल्ट्रा रिच, हर प्याली दिल वाली। कभी सोचा है एक स्माइल से ज्यादा क्या है? एक राज से ज्यादा क्या है? एक खुशी एक ख्वाब से ज्यादा क्या है? ये सब बस थोड़ा मोर। तुम मोर से ज्यादा क्या है? जो तुम चाहो। टेलीनॉर 4G दे हमेशा मोर से ज्यादा, जो हर पाकिस्तानी चाहे। लंच टाइम स्पेशल विद आरजे रबिया, ओनली ऑन FM 100। ऑलराइट जनाब, वेलकम बैक। वापस आ गए प्रोग्राम लंच टाइम स्पेशल में। मैं हूँ रबिया राजपूत और मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं डॉक्टर खुर्रम मुशीर। आप लोगों के मैसेजेस और कॉल्स हमारे साथ साथ काफी सारे कमेंट्स भी हैं लाइव सेशन पे जनाब। मुख्तलिफ जगहों से, मुख्तलिफ शहरों से लोग हमें देख रहे हैं। और मरिया सलीम का मैसेज है, उन्होंने कहा आई होप कि आप दोनों बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, आपने कहा डूइंग ग्रेट जॉब, थैंक यू वेरी मच। आई हैव वन क्वेश्चन रिगार्डिंग PCO अफेक्टेड ए हेयर लॉस एंड एक्ने कंप्लीट सॉल्यूशन इंक्लूडिंग ointment and medicine. Thank you for your kind response. बिल्कुल सही, बहुत अच्छा सवाल है उनका। PCOs यानी पॉलीसिस्टिक ओवरीज, और लड़कियों में इतना ज्यादा आजकल होने लगा है, और उसकी वजह से मेल पैटर्न बाल्डनेस आती है, यानी मर्दाना पैटर्न का गंजापन आता है, और ओवरऑल आपकी बहुत थिनिंग होती है। पहली बात ये कि देखिए, अगर आपको पॉलीसिस्टिक ओवरीज हैं, बहुत सिंपल इलाज है। अगर आपको तमाम पीरियड्स अप एंड डाउन होते हैं तो डॉक्टर ने डेफिनेटली किसी को डायन 35 दी होगी या किसी को प्रोग्लाइटॉन दी होगी, वो डिफरेंट दवाएं होती हैं। 21 डेज देते हैं, फिर 7 डेज का गैप देते हैं, वो सब एक सिस्टम के लिए, तो वो गायनेकोलॉजिस्ट आपको मैनेज करेंगी। मगर एक दफ़ा मैनेज होने के बाद वो बार बार पॉलीसिस्टिक ओवरीज का इशू होता है, तो पहली बात यह है कि आप
बहुत सिंपल, जिस खवातीन जिन खवातीन को भी पॉलीसिस्टिक ओवरीज हैं, तो आप बहुत आराम से, वो इतना बड़ा इशू नहीं है, आप उसको आराम से मैनेज कर सकते हैं। एक चिकन खाना बहुत कम कर दें, मुर्गी कम खाएं, ठीक है। सेकंड चीज़, आप गोश्त ज़रूर इस्तेमाल करें, रेड मीट बिल्कुल खा सकते हैं, ठीक है, और खाया करें बीफ, और मतलब हफ्ते में अगर आप 2 से 3 बोटियाँ लेंगी तो वो बिल्कुल ठीक है, उससे ज़्यादा की आपको ज़रूरत नहीं है। अच्छा, सेकंड चीज़, इवनिंग प्रिमरोज ऑयल विद GLA ईव ग्लो, मैंने आपको बताया, वो आप सुबह शाम लें, आधा ग्लास दूध, ठीक है, बगैर बलाई का दूध, चुटकी हल्दी डालें, उसके अंदर डालें 1 चमचा शहद अगर डायबिटीज़ नहीं है, ठीक है, और साथ में उसके अंदर थोड़ा सा आप दालचीनी पाउडर ऊपर से डाल के ये आप इवनिंग प्रिमरोज ऑयल जरूर लें। अच्छा, बालों के लिए क्या करना है, बालों में आपको बड़ा ग्रोथ के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट रहना है, प्रोटीन के इंजेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आप क्या करें, कोई अच्छा ऑयल लेकर उसके अंदर आप 1/2 किलो तेल लें, जैसे कि आपने कड़वे बादाम का तेल लिया, ठीक है, उसके अंदर आप डालेंगे 5 ग्राम फार्मेसी से लें एंथ्रेलिन, ठीक है, और आप तकरीबन 20 ग्राम डर्मोविट NN क्रीम मिक्स करें अच्छी तरह से, ठीक है, और उसके साथ ऐड करें थोड़ा सा पेपरमिंट ऑयल, ठीक है, 3 से 4 चम्मच मिला के तेल तैयार है, और अच्छी तरह से आप बालों में मालिश करें, उससे इरिटेंट होगा, आपके बाल ग्रो करेंगे। मल्टी विटामिन जैसे हुरमा मैंने आपको बताया जरूर लें। अच्छा, एक जो पॉलीसिस्टिक ओवरीज का मैंने अभी दिखाया, बड़ा जबरदस्त है, मैं आपको एक ड्रिंक दिखा रहा हूँ, ये देखें, ये कहलाता है ब्लडी मैरी। तो इसके अंदर क्या है कि इससे एक तो आपका खून बहुत बनेगा, और जिन खवातीन को पॉलीसिस्टिक ओवरीज के साथ थोड़ा एक वीकनेस आती है, सिस्टम अप एंड डाउन है, आपका हॉर्मोन्स आपके बैलेंस नहीं होते हैं, देखिए इसके अंदर क्या है, सेब है, चुकंदर है, सलाद पत्ता है, काली मिर्च है, टिबेस्को है, और थोड़ा सा टमाटर का रस। देखिए आपने 1/2 ग्लास पानी लिया, ठीक है, उसके अंदर आपने 1/4 यानी 1 काश जो होती है सेब की, वो मैश करके डाली, थोड़ा सा चुकंदर मैश करके डाला, 1 सलाद पत्ता डाला, ऊपर से काली मिर्च और टबेस्को, और अगर आप सीजनल इसके अंदर आप ऐड करना चाहें तो कभी कभी चेरी स्ट्रॉबेरीज ऐड कर सकते हैं, ये आप रोजाना पियेंगे, और एंड में आप डालेंगे इसके अंदर चिया सीड्स यानी तुखमलंगा, ये आप पिया करें तकरीबन 40 डेज, ठीक है, इससे आपके हॉर्मोन्स बहुत बैलेंस होंगे। और सेकंड चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपको चिकन जो है वो हमने बताया, थोड़ा सा कभी खा लिया तो खा लिया, मगर अदरवाइज अवॉइड करें। बिल्कुल ठीक है, मैं तो चाह रही थी कॉलर को शामिल कर लें, लेकिन अभी फिलहाल कॉमन अभी शामिल करने का वक्त नहीं है। नदीम का मैसेज था, उन्होंने कहा खारिज बहुत हो रही है दोनों टांगों की तरफ, ट्यूब भी इस्तेमाल कर लिए, कह रहे हैं लाल हो गया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा है। इस सवाल के जवाब से मंगल को प्रोग्राम का आगाज करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। Islamabad, Hyderabad, Rahim Yar Khan, Multan, Abbottabad.